एवरीवन हाय, ये देखो पिंपल आ गया, इसको मैंने फोड़ दिया। अभी खून निकल रहा था तो अभी सूख गया है। और तो अभी 9:30 बज रहा होगा। बंटी उधर क्लास कर रहा है अपना कॉलेज का कॉलेज इसका स्टार्ट हो गया है। एंड तो मैं भी थोड़ा सा मैं पसीने में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर रही थी काम में, तो कर दिया है। और मम्मी सुबह सुबह लाइक अपना जो पेटीकोट्स है नहीं दिख रहा है, अपना सब पेटीकोट धूप में दिया है। मतलब इतने दिनों से बारिश हो रहा है, लगा आई थिंक हाफ मंथ तो बारिश ही हुआ, तो इसीलिए मम्मी ने सब पेटीकोट अपना धूप में दिया। क्योंकि अलमारी में रह रहे के क्या होता है ना, स्मेल होने लगता है ना, तो मम्मी ने कल साड़ी सब दे के ख़त्म कर दिया। मतलब कल कुछ छत में दिया था बहुत दिनों से दे के, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। और ये सब पेटीकोट दे दिया है मम्मी ने। तो अभी बारिश आ रहा है तो मम्मी ने बोला इसको उठा लो, तो उठाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत देर है, धूप थोड़ा है धूप, तो मैंने बोला नहीं रहने दो, मैं पसीने से भीग रही हूँ, तो मैंने बोला नहीं रहने दो, तो अभी रहने देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जाते हैं किचन। किचन में क्या कर रही है मम्मी? मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी छत गई है। एक्चुअली आज बहुत अच्छा धूप दे रहा है 2 दिन से, कल और आज, तो इसीलिए कल एक मैट्रेस दिया था छत में, धूप में कारपेट वगैरह दिया था, तो आज एक मैट्रेस दिया है हम लोग का बेड का। तो पापा मम्मी लाने गए हैं, भारी होता है ना, तो गए हैं लाने के लिए हमारे टीवी से। क्या है ना है तो खाने में अभी तक तो कुछ नहीं बना है, चावल बैठा है सिर्फ। और तो अभी चलते हैं। तो मम्मी ने बोला था मुझे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालने के लिए, तो मैंने डाल दिया, अभी चालू कर देती हूँ आती हूँ। हम लोग सोच रहे हैं शाम को काम हो रहा है, क्या आवाज़ हो रही है, तो पापा को मैं बोल रही थी पापा शाम को ना मेला चलते हैं। मेला अभी भी है, मुझे लगा बारिश हुआ ना 2-3 मतलब 1-2 हफ्ते तो बहुत बारिश हुआ, तो मुझे लगा मेला उड़ गया होगा, तो इसलिए वो गए भी नहीं है। तो कल बंटी गया था घूमने रिवर्स है अपने दोस्त के साथ, तो वो बोला है अभी भी, तो मैं मम्मी को बोली क्या शाम को चलेंगे। और आज मैं ऑयल दी हूँ ना सर पे, ऑयलिंग की हूँ, मस्टर्ड ऑयल लगाई, पता है मुझे अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल लगाना, बहुत अच्छा लगता है। लाइक हफ्ते में 2 बार देती हूँ, फिर बाद में देती हूँ दूसरे दिन, या फिर उसी दिन ही धो देती हूँ। मैंने ऑयलिंग किया है, धोऊँगी बाल। तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है, चलते हैं क्या खाएँगे थोड़ा देखते हैं। मीडिया को एक टेस्ट पास करना था, जो कुछ अबाउट दैट गेम मे बी जस्ट इन कैम दैट वाज इंपॉर्टेंट टू गेट यू नो दैट वी नो दैट ही वाज अ वेरी डेंजरस प्लेयर एंड हिज वन ऑफ दोस प्लेयर हु कुड चेंज द गेम यू नो फॉर साउथ अफ्रीका, बट इट वाज ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क बाय रोहित एंड ही गॉट इट रन आउट एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ
game sealed for us. It was the dusra from Harbhajan Singh. And finish Karthik making goals today. South Africa game, you remember, because of all the talk about the numbers in the league. Will South Africa go 126? Will they go 51? So while looking at all these numbers, you then start to ask yourself, why did South Africa struggle to get to that 126? It was because India kept on taking wickets. South Africa. सारे पेटीकोट्स उठा लिए हैं क्योंकि मम्मी अभी वो सुखा रही है, जो मैंने अभी वॉशिंग मशीन से निकाला वो सब मम्मी अभी सुखा रही है बालकनी में। एंड मैं ये सब पेटीकोट उठा ली, तभी इसको फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी दोपहर को खाना खाने के बाद। काम हो गया है एंड और तभी थोड़ा देर बाद नहाने जाऊंगी, और अभी और कुछ काम है नहीं तो मैं सीधा नहा के आपसे बात करती फिर। मैंने अभी फोल्ड कर लिया है देख सकते हो, तो मैं इसको भी अलमारी में रखूंगी। चलिए रख लेते हैं। हाय, तो मैं अभी आई हूँ थोड़ा धूप में ये पिलो कवर्स लेने के लिए, तो मैं तब से नहाऊँगी करके नहाना ही नहीं हुआ, धूप में काम है ना थोड़ा सा, आज धूप दे रहा है तो सब मैट्रेस वगैरह दिया हुआ है तो धूप में काम है, पसीने से भीग जाऊँगी फिर नहा के, नहाने का क्या फ़ायदा, इसलिए सब ले लूँ फिर जाके नहाऊँगी। बहुत धूप दे रहा है। तो ये भीगा है, बहुत धूप है, इसको भी दिखाना जरूरी है? नहीं दिखाया, चले की रोड की गर्मी ऊपर ये सब ले आया है, इसको सब ये पाउच वगैरह में डालना पड़ेगा, तो बहुत काम है आज, धूप दे रहा है ना बहुत दिनों के बाद, इसलिए सब कुछ धूप में दे के थोड़ा सा धूप में देना अच्छा होता है ना, इसीलिए सब दे के धूप में हम सब पैक वैक करके काम ख़त्म करके फिर नहाऊंगी, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गया ना, इसलिए तभी इसको मैं डालती हूँ।
तो मैं अभी मैच देख रही हूँ। एक्चुअली आज आईपीएल चल रहा है तो मेरा फेवरेट टीम सीएसके का मैच है, तो वो मैं देख रही हूँ अभी। और तोरबंडी गया था बाज़ार तो मेरे लिए फुचका लेके आया है, फुचका या गोलगप्पा भी बोल सकते हो, तो मैं इसको अभी खाऊंगी। कितने दिनों के बाद खा रही पता है, और बहुत मतलब 2 साल हो के खाए नहीं। मैं बाज़ार भी जाती हूँ तो दुकान तो बैठा रहता है, लेकिन मैं नहीं खाती, तो आज लेके आए तो मैं अभी खाऊंगी। और तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।